हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ दो प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और वो प्रोडक्ट है ये है कामा आयुर्वेदा का प्रोडक्ट। और कामा आयुर्वेदा ऐसा ब्रांड है कि जिसको इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से आपके साथ मैं ये दो प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और ये कामा आयुर्वेदा का कुमकुम आदि ब्राइटनिंग आयुर्वेदिक फेस स्क्रब है, और ये है कामा आयुर्वेदा रिजुनेटिंग एंड ब्राइटनिंग आयुर्वेदिक नाइट क्रीम है। तो इन दोनों प्रोडक्ट का मैं जल्दी से रिव्यू आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, तो ये बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कामा आयुर्वेदा ये ऐसा ब्रांड है जो मेड इन इंडिया है, और सबसे अच्छी बात इनकी यही है कि ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। अभी की सिचुएशन तो आप सभी को पता है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और बाकी के ब्रांड यूज़ ना करते हुए इंडिया के ब्रांड्स ही यूज़ करने चाहिए। तो इसी वजह से मैं आपके साथ जल्दी से इन प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर देती हूँ। अब सबसे पहले बात करेंगे इस प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट है कामा आयुर्वेदा कुमकुम आदि ब्राइटनिंग आयुर्वेदिक स्क्रब। तो कामा आयुर्वेदा नाम से ही आपको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक होने की वजह से साफ साफ पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। आपकी स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो या सेंसिटिव हो, कोई भी टाइप की आपकी स्किन हो, वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है इन प्रोडक्ट को यूज करके। तो ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक होने की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे है। और अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग इतनी इंप्रेसिव दी गई है कि आप देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये जो पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग तो इसकी अच्छी है ही, अब इनर पैकेजिंग की बात करते हैं तो इनर पैकेजिंग आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इस तरह से आपको इनर पैकेजिंग मिलेगी, और इसके अंदर आपको स्पैचुला मिलेगा, वुडन स्पैचुला। इस स्क्रब में स्पैचुला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हाइजीन का इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा है कि इसमें स्पैचुला दिया है, और स्पैचुला से इसे निकालो और उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करो और उसके बाद आपको स्क्रब करना है। तो इस तरह से इन्होंने पैकेजिंग दी है, और इनर पैकेजिंग भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा। जैसे ही आपके हाथ में बॉटल आती है तब आपको पता चल जाता है कि आप कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हो। तो इन्होंने कांच की बॉटल दी है, और उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग दी है। और इसमें अगर आप ओपन करते हो तो इस तरह से स्क्रब मिलता है, और इसे आपको थोड़ा सा पानी लेके अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको स्क्रब करना है आपके फेस पे। जब आप इसे अप्लाई करते हो और फेस पे स्क्रब करते हो तो आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो फेस है वो स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो रही है। अगर नाइट को आप ये स्क्रब यूज़ कर रहे हो तो आप एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के इस स्क्रब को यूज़ करो, मतलब आपको डेली स्क्रब को यूज़ नहीं करना है। ये स्क्रब आप अल्टरनेट डेज या हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यूज़ करना है रात को सोने के टाइम ये वाला नाइट क्रीम। तो ये नाइट क्रीम, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये जो नाइट क्रीम है कुछ इस तरह से इसके आउटर पैकेज, अब इसकी इनर पैकेजिंग भी आपको दिखा देती हूँ। इसकी इनर पैकेजिंग भी सेम स्क्रब की जैसी है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग दी है। इसमें भी आपको स्पैचुला मिल जाएगा, मतलब इसमें भी हाइजीन का ध्यान रखा गया है। इसमें भी आपको स्पैचुला मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट फिंगर इसमें डिप नहीं करना है, लेने के टाइम आपको इसमें ये स्पैचुला डिप करना है, फिर आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्डन कलर की इसकी पैकेजिंग है, और बॉटल इसकी भी कांच की दी गई है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव पैकेजिंग दी है इन्होंने। इस तरह से आपको प्रोडक्ट इसमें मिल जाएगा येलो कलर में, और आपको इसे रात को अप्लाई करना है सोने के टाइम पे। अच्छे से कोई भी फेस वॉश, आपका फेवरेट फेस वॉश होगा, उसे आप फेस वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको स्क्रब अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली आपको स्क्रब नहीं करना है, तो जब आप अल्टरनेट डे स्क्रब करोगे तो तभी आपको स्क्रब करना है, अदरवाइज आपको फेस वॉश करके ही तुरंत नाइट क्रीम को अप्लाई करना है और रात को सो जाना है। नाइट क्रीम क्या करती है कि रात भर आपकी स्किन पे काम करती है और आपकी स्किन को रिपेयर करती है। जो भी फाइन लाइन्स होते हैं या रिंकल्स होते हैं या जो भी आपके स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं उसे रिपेयर करती है और उसे हील करती है। तो नाइट क्रीम का ये काम होता है, और ये नाइट क्रीम इसी वजह से यूज़ किया जाता है कि रात भर जब आप सोते हो तो टेंशन फ्री होके सोते हो, और उसके बाद नाइट क्रीम अप्लाई करने के बाद नाइट क्रीम को टाइम मिल जाता है आपकी स्किन को रिपेयर करने में। तो इसी वजह से नाइट क्रीम अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आप नाइट क्रीम अप्लाई नहीं करते हो तो आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जब नाइट क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक फर्क देखने के लिए मिल जाएगा आपकी स्किन में, और आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है।
तो ये होता है नाइट क्रीम का काम। नाइट क्रीम अप्लाई करना ही चाहिए। मैं भी पहले नाइट क्रीम अप्लाई नहीं करती थी, बट जब से मैंने नाइट क्रीम अप्लाई स्टार्ट कर दिया है करना, तब से मेरी स्किन में मैंने फर्क देखा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है जब नाइट क्रीम आप अप्लाई करते हो और जब नाइट क्रीम आप नहीं अप्लाई करते हो। तो एक बार जरूर नाइट क्रीम अप्लाई करके देखिए, आपको फर्क ऑटोमेटिक दिखाई देगा। और फिर आप अपने नाइट टाइम रूटीन में नाइट क्रीम जरूर इंक्लूड करोगे, तो ये वाली नाइट क्रीम जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और आयुर्वेदिक होने की वजह से आपके कोई भी स्किन टाइप हो आपको सूट करने वाली है, तो ट्राई करने में क्या जाता है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, आप जरूर चेक करना। और अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप परचेस कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।